यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुद कमाने वाली या नौकरी करने वाली औरतें या काम करने वाली औरतें। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको लकीरें हाथ में बना के बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्वातीन सवाल करती हैं, लड़कियाँ सवाल करती हैं कि आप हमारा हाथ देखकर ये बताएं कि शादी के बाद भी हम नौकरी करते रहेंगे, शादी हो जाएगी उसके बाद भी हम कमा कर खाएंगे, तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा, तो ये बताएं हम क्या करें, और हमारे हाथ में कोई ख़ास ऐसी अलामत होती है तो वो बताएं, ताकि हम देखें कि आने वाले वक्त में अगर हमारे लिए मुश्किल वक्त आता है तो उसके लिए हम पहले से अपने आप को तैयार करें। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं कि वो खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं। एक तो ये होता है कि कोई औरत अगर बेवा हो जाती है और तीन या चार बच्चे उसके होते हैं, या दो बच्चे होते हैं या एक बच्चा होता है, तो बेचारी सारी ज़िंदगी मजदूरी करके अपने उन बच्चों को पालती है। ठीक है, उसके हाथ पर क्या अलामत होती है। और कुछ औरतें प्रोफेशनली काम करती हैं, ठीक है, कुछ जो शौक़ से काम करती हैं, कुछ जो है ना वो इस टाइप की होती हैं कि वो कहती हैं कि मेरे शौहर के ऊपर बोझ ना बने, या मेरे शौहर की तनख्वाह कम है या इनकम उसकी कम है तो गुजारा मुश्किल से होता है, इसलिए मैं ख़ुद भी काम करती हूँ ताकि हमारा गुजारा अच्छे तरीके से होता रहे, कि हमारा गुजारा अच्छे तरीके से होता रहे। तो कुछ तो जनी मजबूर हो जाती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो बचपन में वाले साहब का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बहन भाई हैं, तो उसमें से एक बहन थोड़ी बड़ी है, तो बेचारी कोई ना कोई काम करके अपने भाइयों के लिए, उनकी वालदा और वो दोनों काम करके अपने भाइयों को और बच्चों को पालते हैं, तो उनके हाथ पे क्या अलामत होती है। ये बहुत ज़्यादा सवाल लोग कर रहे हैं कि इसके बारे में बताएँ। तो आज मैं जो हाथ बना के बताता हूँ, मैं इस तरह का बताता हूँ कि आप उसको गौर से देखें, समझें। अगर इस तरह की हाथ में लकीर है तो ये समझें कि खुद कमाएंगे और ख़ुद खाएंगे। ज़रूरी नहीं कि इनका शौहर अच्छा ना हो, बाज़ूकात ये भी शौहर भी बहुत अच्छा होता है, वो भी काम कर रहा होता है, ये भी काम कर रहा है, इस तरह दोनों मिल के जब कमाते हैं तो कुछ ना कुछ बना भी लेते हैं, कुछ ना कुछ बन भी जाता है। तो ये आ गई ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, इसके साथ ये आ गई दिमाग की लकीर। ये दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से अलग है, यानी दोनों में फासला है, और इसी तरह ये आगे इनके दिल की लकीर। ये अब मैं तीन मुख्तलिफ औरतों का यानी आपको बताऊंगा कि आप देखें उनके साथ क्या सिलसिला होता है। अब एक तो ये है कि यहाँ से जो लकीर है ये यहाँ से शुरू हुई है, ये शुरू हुई यहाँ से, और ये लकीर जाके मिल गई ज़िंदगी की लकीर में, और फिर ये लकीर टर्न करके उस तरफ जा रही है, यानी यहाँ से ये चल रही है, बड़ी अच्छी किस्मत की लकीर चल रही है, और फिर अचानक यानी ये क्या हुआ कि ये ज़िंदगी की लकीर में आकर टच हो गई, ज़िंदगी की लकीर से आके मिल गई। तो ये तो वो लड़कियाँ, वो औरतें, वो बच्चियाँ हैं कि जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, मिसाल के तौर पर पढ़ रही होती हैं, ऐश इशरत में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, अचानक घर के सरबरा का इंतकाल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, डेथ हो जाती है और इनके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। अब जो ज़िम्मेदारी पड़ जाती है तो किस्मत की लकीर जो है वो इस तरह टूट टूट के चलती, कभी चलती है कभी क्या होता है, यानी बड़ी मुश्किल से ये जो ना हालात को संभालती है जैसा तैसा करके। मिसाल कोई एक काम किया कुछ अरसा, उसमें देखा कि इतनी बचत नहीं हो रही है, इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो वो काम छोड़ के दूसरे काम पर लग गई, वो भी देखा नहीं है तो फिर तीसरे काम पे लग गई, वो भी देखा नहीं है तो चौथे काम पे लग गई। जिस तरह कुछ काम करने वाली मासियाँ जो होती हैं ये, और कुछ यानी समझो कि दफ्तरों में इधर उधर काम करने वाली जो होती हैं वो, या कोई चीज़ें कोई आइटम वगैरह बनाकर फ़रोख्त करने वाली औरतें, ये यानी मैंने जो हाथ बनाया इसको आप गौर से देखें, तो इस तरह की अगर अलामत है तो ये समझें कि बचपन बहुत अच्छा गुजरा, उसके बाद ज़िम्मेदारी और बोझ, और फिर जो किस्मत की लकीर चली तो कभी चलती है कभी टूटती है, कभी चलती है कभी टूटती है, ये अलामत। उसके बाद ऐसा होता है कि ये लकीर हम मिटा देते हैं, ये एक चीज़ आपकी समझ में आ गई ना।
ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अगर इस तरह की कोई अलामत है तो ये समझें कि कोई मसला या कोई परेशानी आ सकती है आने वाले वक्त में। उसके बाद एक लकीर ये है कि इस तरह का हाथ है जो मैंने बनाया हुआ, इस तरह का हाथ है, और इनकी जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ कमर के उभार से निकल रही है, ये निकल रही है लकीर कमर के उभार से, और बड़ी शोख और बड़ी गहरी लकीर, यानी समझें कि ये जा रही है, और ये लकीर जाते जाते, यानी इसको ये समझ लें कि एक शाख इस तरफ आ गई और एक शाख यानी उस तरफ चली गई। ये तो वो औरतें हैं कि यानी ये खुशी से यानी अपना काम करती हैं, या शौक में कोई काम धंधा करती हैं, या कोई बिजनेस करती हैं, जो कारोबार करती हैं, वो ये होता है, ये उनके हाथ में ये अलामत होती है कि ये लकीर बड़ी गहरी होती है किस्मत की, और कमर के उभार से उसका आगाज़ होता है, यानी चांद के उभार से उसका आगाज़ होता है, और फिर वो लकीर सीधी यहाँ आती है, और यहाँ पर उनके क्रास बना होता है। ठीक है, यहाँ पर उनके क्रास बना होता है, और ये लकीर जो है क्रास की सूरत के पास पहुँच जाती है। तो ये वो औरतें हैं कि जो ये समझें कि शौक़ से काम करती हैं, या बिजनेस करती हैं, या अपनी बचत के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए काम करती हैं, ये वो औरतें होती हैं। ठीक है ना, ये मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, और एक जो ना दो तीन चीज़ें मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। शबनम ने सवाल किया कराची से कि बहुत परेशान हूँ, ये बताएं कि मेरे नसीब में दौलत है या नहीं। शबनम साहब, आपके नसीब में दौलत तो ज़रूर है, लेकिन सख्त जद्दोजहद और मेहनत के बाद आपकी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी अल्लाह की रहमत है, आपके ऊपर हर चीज़ बेहतर है। सना ने सवाल के फैसला पास है कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। सना साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो अपने टाइम पीरियड से लेट है, और 2021 जो है इंशाल्लाह ये आपकी शादी का साल होगा। सारा खान ने सवाल किया कराची से, माली हालात कब बेहतर होंगे। माली हालात बेहतर होने के लिए आपको 2022 का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2022 में आपकी पोजीशन अल्लाह के फजल से अच्छी लग रही है, और आने वाले 4 और 5 साल आपके लिए अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छे होंगे। अगला सवाल किया राशिद ने लाहौर से, यूरोप जाना चाहता हूँ, कब तक चला जाऊँगा। राशिद भाई, आपके हाथ में सफ़र की 3 अलामतें मौजूद हैं, और पहला सफ़र आपको 2021 के 7वें और 9वें माह में आने का इम्कान है। अगला सवाल के तनवीर साहब ने ओकाड़ा से, ये बताएं कि मेरी लव मैरिज हो सकती है। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें, और दूसरी शादी आपकी लव मैरिज होगी। इशरत ने सवाल किया फैसलाबाद से, मेरे हाथ में औलाद और रिज़क की तंगी है, ये बताएं कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे। देखें इशरत बीबी, दौलत औरत के नसीब से होती है, और आपके नसीब में अल्लाह के फजल से दौलत है, लेकिन आप इंतज़ार करें नए साल के पहले और दूसरे माह का, उसके बाद आपके हालात अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। नाजिया ने सवाल किया कराची से, ये बताएं कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। नाजिया साहिबा, अल्लाह के फजल से आपकी पहले भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर गुजरेगी। अगला सवाल क्या है बिनिश ने गुजरांवाला से, मेरे हाथ में एक अच्छी और एक बुरी चीज़ बताएं। बिनिश साहबा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक सवाल का जवाब देते हैं, दो का नहीं देते। अगर आपको मुकम्मल हाथ दिखाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी तस्वीरें भेज के मुकम्मल हाथ दिखवा सकती हैं। रही बात आपके हाथ में जो बुरी अलामत है, वो ये है कि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती, और अच्छी अलामत ये है कि आने वाले वक्त में 2 बड़े चांस मिलने का इम्कान है। हुमा अब्दुल अज़ीज़ ने सवाल किया बुलवाल से कि मेरे हाथ में सफ़र की लकीरें हैं या नहीं, क्यों मैं पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। आपके हाथ में सफ़र की 3 लकीरें मौजूद हैं, बहरहाल कोशिश आप करें, जद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगी। राशिद अंसारी ने सवाल किया है कि यूके का सफ़र करना चाहता हूँ, कामयाब होंगे या नहीं। राशिद साहब, अल्लाह के हुक्म से आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, दिमागी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, आप किसी भी काम की कोशिश करें, अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपके हाथ की लकीरें बहुत अच्छी हैं। किंजा ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मैं पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ, जा पाऊँगी या नहीं। आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, कोशिश करना आपका काम है, रहमत करना मेरे अल्लाह का काम है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जहांगीर वेस्ट अफ्रीका से सवाल कर रहे हैं कि मैं जिस मकसद के लिए बैठा हूँ उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। प्यारे दोस्त, आपको इससे पहले ही बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, और इंशाल्लाह इसमें भी आपको कामयाबी मिलने का इम्कान है। इकरा सलीम ने सवाल किया लाहौर से, मेरी किस्मत की लाइन और ज़िंदगी की लाइन में जज़ीरे हैं, आगे चल कर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
किस्मत की लकीर पे जो जज़ीरे हैं ये माली नुकसान की निशानदेही कर रहे हैं और माली नुकसान होने का इम्कान है, हर कदम सोच समझ के उठाएं तो बेहतर है। इसके अलावा ज़िंदगी की लकीर में जो जज़ीरे हैं वो बचपन की बीमारियों की निशानदेही कर रहे हैं और आगे लाइफ में जज़ीरे नहीं हैं। नादिश ने सवाल किया लाहौर से, मेरे हाथ में ज़िंदगी की लकीर, उसका क्या मतलब है? ज़िंदगी की लकीर का मतलब है कि आप ज़िंदा हैं और आपकी लकीर मौजूद है, इसके अलावा तो उसका कोई मतलब नहीं। अगला सवाल किया साकिब साहब ने चकवाल से कि मेरे हालात कब सेट होंगे? आपके हालात 2023 और 2024 में सेट होने के चांस मौजूद हैं। ईशा नूर ने सवाल किया है हाफसाबाद से कि मैं बैरूनी मालिक सेट हो सकती हूँ या नहीं? आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं और आने वाले वक्त में हज उमरे की भी सआदत आपको नसीब होगी। समरीन ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि माली हालात कब अच्छे होंगे? समरीन साहबा, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है, एक लकीर सीधी दौलत की तरफ जा रही है और दूसरी लकीर कामयाबी की तरफ जा रही है। अल्लाह के फजल से ये समझें कि 2021 के पहले और दूसरे माह से आपके हालात अल्लाह के फजल से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अमीरा शेख ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे? इंशाल्लाह अज़ीज़, आपके हालात जो हैं बहुत जल्द बेहतर होने वाले हैं और बहुत बड़ी कामयाबी भी नसीब होगी, औलाद अल्लाह के फजल से नेक साबित होगी। अगला सवाल किया शौकत इफ्तखार ने चरियोड़ से कि मेरे नसीब में दौलत है, आपके हाथ में दौलत भी है और कामयाबी भी है, लेकिन ये 3 से 4 माह थोड़े आपके लिए मज़ीद बारी रहेंगे, इसके बाद आपके हालात अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। अगला सवाल किया फ़ातिमा ने डेस्का से पैसा कब आएगा? फ़ातिमा साहबा, आपके 2021 का दूसरा माह और तीसरा माह आपके लिए अल्लाह के फजल से अच्छा होगा और इंशाल्लाह पैसे भी आएंगे और कामयाबी मिलने का भी इम्कान है। तालिब साहब ने सवाल किया श्रीनगर से, ये बताएं कि दौलत कब आएगी? तालिब साहब, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है, अल्लाह के फजल से बड़ी उमदा और बड़ी अच्छी लकीर है और एक नहीं दो लकीरें मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक लकीर अगर बाई दफ़े रुक जाती है, टूट जाती है, तो दूसरी लकीर उसकी सपोर्ट करती है और उसको लेकर आगे तक चलती है। इसका मतलब है कि आने वाला वक्त आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। शहजादी ने सवाल किया लाहौर से, शादी कब होगी और कैसे रहेगी? शहजादी साहबा, आपके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं जिनमें एक लकीर को ख़ास अच्छी नहीं है और दूसरी लकीर अल्लाह के फजल से अच्छी है। समीना ने सवाल किया हैदराबाद से, ये बताएँ कि हमारे ऊपर कर्ज़ा है वो कब उतरेगा? इंशाल्लाह अज़ीज़, 2022-2023 आपके लिए अच्छा होगा, कर्ज़ा भी उतरेगा और माली पोजिशन भी बहुत अच्छी होगी। सहरा ने सवाल किया कनाडा से कि ये बताएं कि लॉटरी लगने का कोई चांस है या नहीं? आपके हाथ में ऐसा कोई चांस तो मुझे नज़र नहीं आता, बहरहाल आपकी किस्मत की लकीर अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। आफरीन बानो ने सवाल किया है इंडिया बनारस से कि मेरे हाथ के ऊपर दिल की लकीरें ऊपर नीचे, इसका क्या मतलब है? आफरीन बानो साहबा, ये एक मजाक है और ये बच्चों का खेल है जो आप खेल रही हैं, ठीक है? आपके हाथ में जो दिल की लकीर है काफ़ी लंबी लकीर है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग वफादार होते हैं, शुरू से आखिर तक साथ चलते हैं और साथ निभाने वाले होते हैं। हाथ में बे, ते, रे और सीन का कोई करेक्टर नहीं होता, ठीक है? माजबीन ने सवाल किया है मुरीद के से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं? आपके हाथ में 2 से 3 औलादों की लकीरें मौजूद हैं मगर इतनी ख़ास गहरी नहीं हैं, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद गहरी हो जाएंगी तो अल्लाह के फजल से आपके हाथ में औलादें होंगी। अगला सवाल किया मरियम अयाज ने गुजरांवाला से कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, ये बताएं कि मैं अगर कोई काम करूं तो क्या हालात में बेहतरी आ जाएगी? जी नहीं, अल्लाह के फजल से वैसे ही बेहतरी आएगी। आप 2 से 2.5 माह इंतज़ार करें, उसके बाद आपकी किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह हालात भी अच्छे होंगे और पोजीशन भी अच्छी होगी। नजमा ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि दौलत कब आएगी? नजमा साहबा, अल्लाह के फजल से दौलत आए या ना आए, अल्लाह ताला ने आपका मुकद्दर बादशाहों वाला बनाया और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तब्दीली आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। इमरान ख़ान ने जो तब्दीली का वो नहीं, किस्मत में तब्दीली और बहुत बेहतर। सादिक साहब ने सवाल किया है कि ये बताएं कि मुश्किल वक्त कब ख़त्म होगा? सादिक साहब, आपके हाथ में परेशानियों के मज़ीद लकीरें भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कोशिश करते रहें, अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।